जमीरा आरा इकबाल नगर गांधी कुष्ठ आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय थिया मुकली जर्मनी लेवेन ओहेन लेप्रा सोसाइटी जर्मनी की थी, जिनका आज पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित फूलमाला से आरा के साथ पूरे बिहार में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता संजू कुमार पासवान तथा संचालन सीमा शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि स्वर्गीय थिया मुकली के बेटी किड मुकली जर्मनी तथा कैथरीन सुरेश कॉल साहब एसएमके जयपुर, मुकेश शर्मा एसएमके जयपुर तथा बिहार से कमलेश द्विवेदी उपस्थित होकर सभी लोगों ने दीप जलाकर आरती दिखाकर एवं फूल माला चढ़ाकर तैल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा मौन रख धारण कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। उपस्थित मुख्य अतिथि में कमलेश द्विवेदी एप्पल संस्था बिहार के रहे। आपको बता दूं कि 16 वर्ष से बिहार में तथा आरा में 10 वर्षों से सार्थक स्कूल तथा सार्थक डिस्पेंसरी चलता है, जो इंडिया में एसएमके जयपुर के अध्यक्ष सुरेश कॉल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सार्थक स्कूल के प्रधानाध्यापक संजू कुमार पासवान हैं और सेकेंड शिक्षिका सीमा शर्मा हैं। सार्थक डिस्पेंसरी में डॉक्टर नागेंद्र नाथ मिश्र तथा ड्रेसर नागेश्वरी देवी हैं। ये कह रही है कि बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि माँ का नाम के से जो आश्रम का इन्होंने अच्छा नहीं लगा इनको, लेकिन आप सब ये नहीं सोचें कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आपकी हर मुस्कुराहट के साथ, आपकी हर तकलीफ के साथ, उतनी ही तकलीफ और मुस्कुराहट में मैडम मुकली इनकी माँ साथ है, और वो ये देख करके खुश हो रही है कि उन्होंने जो शुरू किया था काम आज वो फल रहा है फूल रहा है, उनको नाम का लालच कभी नहीं रहा, इसलिए वो और ये सभी इनका परिवार फैमिली मुकली वुड नेवर विश के इट शुड बी नेम्ड बाय बाय हर नेम। काम वेरी मच थैंकफुल टू द local media here that they have been so nice and so nicely covering, and I would request you that this coverage what you are giving in the channel, news channel or your own channels, whatever, should be repeated again and again, because people still are not knowing this. अभी भी लोगों को भ्रांति है कि कुछ लोग भयानक है, घृणास्पद है, छूने से हो जाता है। आपको मैंने बताया हम लोग 16-17 साल से यहाँ पर आते हैं, इनकी माँ और ये उनके गले लग करके मिलती है, हम लोग इनके हाथों से हाथ चल करके इनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। कुष्ठ रोग बैठने के साथ और उन भावनाओं के साथ कभी नहीं होता। ये घृणास्पद नहीं है, छुआछूत नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, तो इसके लिए जो मीडिया है उसका बहुत सपोर्ट है, बहुत बहुत आपको बहुत कुछ किया। जो मदर मुकली हैं, इनके जो बेटियाँ हैं आज जर्मनी से यहाँ आई हुई हैं, तो और संस्था के द्वारा और क्या क्या किया जा रहा है आगे की क्या कुछ? इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए कई स्थानों पर वृद्धाश्रम है उनके लिए, और जो विकलांग हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, न केवल कुष्ठ रोगी बल्कि अन्य डिसेबिलिटी, अन्य जो दिव्यांगजन हैं उनको हमारे जयपुर के बहुत बड़े सेंटर में, यहाँ पर नहीं, कुछ बहुत बड़े सेंटर में उनको टेलरिंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, अगरबत्ती बनाना, स्कूटर रिपेयर करना, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग के बाद में उनको रोज़गार दिलवाया जाता है, और एंड पॉइंट तक देखा जाता है कि किसी भी अमुक व्यक्ति को रोज़गार मिल करके वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ करे। तो डिसेबिलिटी, एजिंग यानी वृद्धाश्रम, रोज़गार, लाइवलीहुड और विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए खासतौर से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है टेलरिंग की, और जो गरीब महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन दी जाती है। आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि सार्थक मानव कुष्ठाश्रम और उनकी संस्था के सहयोग से अब तक लगभग 400 से ऊपर मशीनें दी जा चुकी हैं विभिन्न स्थानों पर, जो निःशुल्क उनको दी जाती हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, शिक्षा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? छपरा, रामनगर, बखरी, रामगढ़वा, इन सब स्थानों में अभी सैर समय भी हम शुरू करने वाले हैं। एक तो विद्यालय है और चिकित्सक हैं, हर स्थान पर डॉक्टर्स डेप्यूटेड हैं, हमारे डॉक्टर मिश्रा यहाँ के बहुत पुराने डॉक्टर हैं, बहुत अनुभवी हैं, और अनुभव के साथ साथ सारे चिकित्सक और शिक्षक अपनी सेवा की जो भावना है उस भावना के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उसी से इन सब लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, इनके जीवन का पुनर्निर्माण हो रहा है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कैन नॉट हैपन विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड एज जैसे मिस्टर एस्टर ने बताया, इनके घर घर से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए जर्मनी के, वो नॉर्थ जर्मनी जहाँ पर ये रहती हैं, एशनडॉर्फ और पापनबर्ग दो गांवों के नाम, वहाँ से एक एक घर
इसके लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा कर उस धन से यहाँ पर सारे काम। थैंक यू। Ara was about in 2009, so almost 14 years ago, and it makes me so happy to see how everything is growing here. Everybody is helping us, the teachers, the doctors, and Sandro, everybody here has an important part in this ashram, and we are really working hard for the money, and for the donations in Germany, and it makes me so happy to see that we have such a fruitful place here for the donations to give, and I'm so happy to be back here in Ara Ashram, my family, so thank you so much. Okay. आश्रम में आज थिया मुकली का पुण्यतिथि मनाया गया। उनकी बेटी आज जर्मनी से यहाँ पर आई हुई हैं और बहुत कुछ उनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जाए। थिया मुकली स्वर्गवासी हो गई, उनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं आरा गांधी कुष्ठ आश्रम में, और थिया मुकली आश्रम के नाम से नामकरण भी सबके सहयोग से हो रहा है। इसमें उनकी बेटी ने कहा कि नामकरण तो माँ का नाम वैसे भी जो है वो रहेगा, लेकिन अब आप लोग इसका क्या नामकरण भी करेंगे या इसका परिवर्तन करेंगे? जी, नामकरण होगा। क्या नाम होगा नया इसका नाम? थिया मुकली आश्रम, थिया मुकली कुष्ठ आश्रम। तो आज क्या कुछ नक्शा उक्शा देखा जा रहा है? मेडिकल, यही बहुत पहले से तय है कि यहाँ स्कूल, डिस्पेंसरी बनाना है, और किचन बनाना है, सीढ़ी बनाना है, छत ढलाई करना है, प्लास्तरा करना है, और एक बड़ गाछ है वहाँ पर भी चौतरा बनाना है। इन सभी के लिए पहले से आयोजित ही प्रोग्राम है जी, जिसको आज थिया मुकली के श्रद्धांजलि सभा के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जा रहा है, घोषणा किया गया। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार, यहाँ के प्रधान शिक्षक सार्थक स्कूल का हूँ, जो SM के जयपुर सुरेश कौल साहब के तहत